मजा आ रहा है अपने सक्सेस फॉर्मूलाज आपसे शेयर करते हुए जो मैंने गैदर किए हैं बहुत सारी किताबों को पढ़ के और बहुत सारे लोगों से मिलकर के और प्रगति परिवार की जर्नी को करते करते। अगली क्वालिटी जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है बाउंस बैक। जी हाँ, आपने क्रिमिच की बॉल देखी, एक क्रेजी बॉल आया करती थी, उसको जितना जोर से जमीन पे मारो वो उतनी ही तेजी से वापस जाया करती थी। जिंदगी में असफलता या विफलता का सामना सभी को कभी ना कभी करना पड़ता है, लेकिन असफल या विफल वो नहीं कहलाते जो वापस आ जाते हैं, असफल या विफल वो कहलाते हैं जो उस क्रेजी बॉल की तरह नहीं, दूसरी बॉल की तरह, किरमिच की बॉल की तरह वही रह जाते हैं। अगर हमें जिंदगी में सक्सेस प्राप्त करनी है तो बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है। अमिताभ बच्चन, आज से 26 साल पहले उनकी पिक्चर आई थी और उन्होंने कंपनी बनाई थी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके थ्रू उन्होंने पिक्चरें बनाई थी, लाए थे और 3 दिन भी हॉल पे नहीं चलती थी। 12 पिक्चर आई, 12 की 12 पर बिग फेलियर्स, फ्लॉप्स। मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिनको उन 12 की 12 पिक्चरों के नाम भी याद हो। जो प्रोजेक्टर चलाने वाला होता था वो भी कहता था, भाई साहब जो 2-4 लोग लेने आए हैं आप भी पैसे लो, वापस जाओ, मैं भी कहीं और एंजॉय करने जाता हूं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी। एंड देन केबीसी हैपेंड टू हिम एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ केबीसी इज सक्सेसफुल एज ऑफ डेट और अमर सिंह, इट इज बिकॉज ऑफ हिज बाउंस बैक क्वालिटी। वो हर बार रूप बदल के आ जाते हैं। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू बाउंस बैक, वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस इन विच वी आर इन। कोरोना ने बहुत सारे चेंज ला दिए हैं दुनिया में, जो लोग उस चेंज के साथ चेंज हो रहे हैं वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं तो बाकी सारे लोग पैरिश हो जाएंगे। परफॉर्म और पैरिश इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, तो बहुत जरूरी है बाउंस बैक करना। एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया 10,000 बार फेल हुए थे, उन्हें मीडिया वाले ने बोला आप तो 10,000 बार फेल हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने 9,999 तरीके निकाल लिए हैं कि बल्ब कैसे नहीं बनाया जाता, और उन्होंने जो बुक लिखी उसके बेसिस पे आज की डेट में अपने फेलियर्स की एलईडी और दूसरे विभिन्न बल्बों का आविष्कार हो रहा है, क्योंकि फेलियर ही तो हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। आप अपने फेलियर के रेट को बढ़ा दें, देखें आपका सक्सेस का रेट कितना बढ़ जाएगा। जितनी बार हां अगर वही गलती रिपीट कर रहे हैं तो फिर आप फेलियर हैं, लेकिन उसे नए ढंग से ट्राई कर रहे हैं तो आप फेलियर नहीं है, यू आर ट्राइंग थ्रू अ न्यू मेथड। वॉल्ट डिस्ने वॉज अ ग्रेट फेलियर, उनको बोला जाता था तुम तो फेल्ड कार्टूनिस्ट हो क्योंकि यू लैक इमेजिनेशन, और जब उन्होंने इमेजिनेशन को यूज किया, मिकी माउस बनाया, डोनाल्ड डक बनाया, वर्ल्ड फेमस हो गए, और आज की डेट में वॉल्ट डिस्नी डिस्नीलैंड वर्ल्ड में फेमस है। केंटकी फ्राइड चिकन का मैं एग्जाम्पल दिया करता हूं। केंटकी फ्राइड चिकन के ओनर कर्नल सैंडर्स, जब उनके मां बाप की मृत्यु हुई तो उनकी जेब में $100 का पुराना नोट था और अपने मां के द्वारा सिखाई हुई रेसिपी और सेकंड पुरानी कार, उन्होंने वो कार ली और सोचा जगह जगह जाकर के मैं चिकन बनाने की रेसिपी बेचूंगा। उन्होंने कम से कम 99 हाउसेस में नॉक किया और सब जगह से रिस्पॉन्स आया नहीं चाहिए। जैसे हमारे घर पे कोई सेल्समैन आकर के, अननोन सेल्समैन आकर के नॉक करे तो हम अंदर से ही आवाज दे देते ना कि आज नहीं चाहिए, कल नहीं चाहिए, कल आना, परसों आना, कभी मत आना। ऐसा ही उनके साथ 100 घरों में हुआ और 99 हाउसेस में, और जो 100वें घर में लेडी थी उसने बोला देखो मैं बहुत थकी आई हूं, मैं एक बीपीओ में काम करती हूं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मेरा इसमें खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं है, आपको जो बनाना आता है बना दो, इस बहाने घर का दोपहर का खाना बन जाएगा। और जब उन्होंने वो खाना बनाया उस लेडी को वो और बच्चों को बहुत पसंद आया, जाते हुए उस लेडी ने कर्नल सैंडर्स को पैसे दिए और बोला कि इसकी रेसिपी क्या है। मैं कह नहीं, मैं रेसिपी शेयर नहीं करता हूं, आपको दोबारा ऑर्डर करना हो तो आप मुझे फोन कीजिएगा, अपना फोन नंबर दे दिया। उस लेडी ने बोला हमारे घर में ना अगले महीने किटी है तो आप 50 लेडीज के लिए भी इस प्रकार से बना देंगे। कर्नल सैंडर्स ने बोला वाई नॉट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सदा भेष बदल के आती है, कभी भी ये कह के नहीं आती कि मैं अपॉर्चुनिटी हूं मुझे स्वीकार कर लीजिए, वो एक प्रॉब्लम की तरह आएंगी, वो 50 लोगों का खाना बनाने की तरह आई। और उन्होंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, और अगले महीने कर्नल सैंडर्स ने 50 लोगों का खाना बनाया, सर्व किया, 50 लेडीज ने बहुत अच्छे से खाया, और जाते हुए कर्नल सैंडर्स से सभी लेडीज ने वही पूछा, क्या पूछा, इसकी जी रेसिपी क्या है।
उन्होंने कहा मैं रेसिपी किसी से शेयर नहीं करता, आपको अगली बार ऑर्डर देना हो तो मुझे फोन कीजिए। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी शॉप कहाँ है? अब कर्नल सैंडर्स तो दूसरे शहर से थे, उनकी कोई शॉप ही नहीं थी। उन्होंने कहा मेरी कोई शॉप नहीं है और मैं देख रहा हूँ, अगर आप में से किसी जानकारी में कोई शॉप हो तो मुझे बताएं, लेकिन आप सबकी शक्लें देख करके मुझे लग नहीं रहा कि आपकी जानकारी में कोई शॉप होगी। बस लेडीज की तो ईगो जगाने की देर होती है। एक लेडी ने बोला रुको रुको, मेरे हस्बैंड यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है, और उन्होंने अपने हस्बैंड को तुरंत मोबाइल फोन लगाया और बोला सुनो जी, वो जो हमारे पड़ोस में आए थे जिनकी GDA/DDA शॉप खाली है, वो किराए पे देना चाहते थे, मेरे को एक बहुत अच्छे चिकन वाले बनाने वाले रेसिपी वाले ये व्यक्ति मिले हैं, ये बहुत अच्छा चिकन बनाते और ये एडवांस भी देने को तैयार है, तो आप उनको शॉप दिला दो। और इधर कर्नल सैंडर्स ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं डिस्काउंट भी दूंगा, और वो ऑर्डर ले लिया और 50 की 50 लेडी का पहले ऑर्डर इकट्ठा किया, उसी में से एडवांस दिया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और आज पूरे वर्ल्ड में KFC इज अ वर्ल्ड वाइड चेन। बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है। अगर वो 99 हाउसेस के फेलियर के कारण 100वें घर में ट्राई ना करते तो आज वो एक फेलियर कहलाते। थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्निंग टू मी। वंदे मातरम।